Hi guys, do you want to know how to find out the solutions of a linear equation? Yadi haan, then this is the right video for you because this video brings in a lot of practice questions jo aapke sare doubts ko clear kar dega aur sare solutions aapko yahan par mil jayenge. My name is Vishwa Bandhu and I welcome you in this video of Padhai Planet. Let's begin here. Thank you. तो इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को स्टार्ट करें, पहले ये समझते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उससे मतलब क्या है, ये होता क्या है. तो बेसिकली किसी भी इक्वेशन में एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज को हम लोग उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं जिनके रखने से लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के इक्वल आ जाती है. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल और उससे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. द एग्जाम्पल इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. तो अब हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू को 4 और y की वैल्यू को 1 रखें तो हमारी जो लेफ्ट साइड है दैट कम्स टू 9 विच इज ऑल्सो इक्वल टू द राइट साइड. तो हमारी x और y की जब हम लोगों ने 4 और 1 वैल्यू रखी तो हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई, विच मीन्स 4, 1 इज वन ऑफ द मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, राइट. इसी तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई एंड वाइस वर्सा. तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऑलराइट, सो दिस इज एग्जांपल नंबर 3 चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ये जो इक्वेशन है हम लोगों को ये कहा गया है कि इस इक्वेशन के 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस हम लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं. तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई. इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. सपोज हम लोगों ने एक्स की वैल्यू को 0 एज्यूम कर लिया यहाँ पे. नाउ एक्स की इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वाई की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो जब हम लोग ऐसा करते हैं लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन टू द इक्वेशन और हम लोग देखेंगे वाई इज इक्वल टू 3 इज व्हाट इट इज कमिंग. तो हमारा जो सोल्यूशन हुआ, वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज 0, 3, राइट. तो इस तरीके से हम लोगों ने ये किया कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, दोनों में से किसी एक की हम लोगों ने वैल्यू को एज्यूम कर लिया और इस एज्यूम करी हुई वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया और ये जो पेयर बना हमारा, ये हमारा सोल्यूशन कहलाएगा. अब हम लोग दूसरा सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो इन द नेक्स्ट सोल्यूशन लेट्स एज्यूम एक्स इज इक्वल टू 1 एंड नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स. तो जब हम लोगों ने x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसके अंदर तो y का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5/2 एंड दस द सॉल्यूशन विल बी 1, 5/2, राइट. तो इस तरीके से हम लोगों को जो इक्वेशन x प्लस 2y = 6 दी गई थी इसके हम लोगों ने 2 सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करे. दोनों ही सॉल्यूशंस के अंदर हम लोगों ने x की वैल्यू को एज्यूम करा था और उनके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया था और उस पेयर को जो हमारे पास आया उसको हम लोगों ने, वो हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है. अब हमें इसी इक्वेशन के थर्ड और फोर्थ सॉल्यूशंस को भी आइडेंटिफाई करना है. तो उनको करने के लिए इस बार हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. अभी तक हम लोगों ने एक्स की वैल्यूज को एज्यूम करा था, अब हम वाई की वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं. सो लेट्स पुट वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं. तो इस तरीके से जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा. अब हमें फोर्थ सॉल्यूशन निकालना है. फोर्थ सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग यही करते हैं, इस बार वाई की वैल्यू को 1 रख लेते हैं एंड वी विल सी दैट एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो ये है एंड दिस इज हाउ वी गेट द सॉल्यूशन. सो नाउ इफ वी समराइज ऑल ऑफ दीज 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, हम लोग बहुत ध्यान से अगर देखें तो हम ये देखेंगे कि पहले 2 सॉल्यूशंस में हम लोगों ने एक्स की वैल्यू को एज्यूम किया था और वाई को कैलकुलेट करा था. सेकेंड के 2 सॉल्यूशंस में हम लोगों ने इसका रिवर्स कर दिया. तो इसी तरीके से आप भी अपने क्वेश्चंस में कर सकते हैं. जब भी आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है तो दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को आप एज्यूम करेंगे, उसको पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर और फिर हम लोग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे एंड दिस पेयर बिकम्स द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. सो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. थैंक यू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. वी नीड टू आइडेंटिफाई 2 सॉल्यूशंस. सो एज वी नो वी हैव 2 वेरिएबल्स हियर और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को एज्यूम करना है. तो x की वैल्यू को 0 एज्यूम कर लेते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. और जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि इस तरीके से आ रहा है. नाउ टू फाइंड आउट द सेकेंड सोल्यूशन
इस बार y की वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कर लेते हैं. सो दिस इज हाउ वी गेट द सेकंड सॉल्यूशन. सो इट वाज सिंपल एनफ. ऑलराइट, सो दिस इक्वेशन इज 2x + 5y = 0. अगेन बड़ा ही सिंपल सा है. लेट्स अज्यूम द वैल्यू ऑफ x एंड वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एंड दैट बिकम्स द सॉल्यूशन. अब हमें दूसरा सॉल्यूशन निकालना है, तो उसमें भी बड़ा सिंपल सा है. उसी तरीके से करते हैं, हम लोग y की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं और x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना होगा कि हमारा जो पहला सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला था वो 0.0 निकल रहा था. इसी तरीके से अगर हमने y की ऐसी वैल्यू पुट करी जिससे वही सॉल्यूशन आ रहा है जो हम लोगों ने पहले भी निकाला हुआ था, दैट मीन्स वी नीड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सॉल्यूशन. हम लोगों को कोई दूसरा निकालना होगा और उस केस में हम y की वैल्यू कुछ और रख कर देखेंगे और फिर उससे एक डिफरेंट सॉल्यूशन निकालना है. क्योंकि हमें क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं, हर बार डिफरेंट आने चाहिए. राइट, तो इस बार y की वैल्यू को 1 रखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं. ऑलराइट, सो द लास्ट वन इज 3y + 4 = 0. नाउ दिस इज अ लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन व्हिच इज गिवन इनटू द क्वेश्चन. और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक ही वेरिएबल है. अभी तक जो कुछ भी हम लोग सीखते आए थे वो ये सीखते आए थे कि लीनियर इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल्स मिलेंगे, एक की वैल्यू हम पुट करेंगे दूसरे की कैलकुलेट कर लेंगे. बट इन दिस इक्वेशन हमें वेरिएबल ही एक ही दिया हुआ है. बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोगों को जब भी ये सिचुएशन आए तो फटाफट उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. और हमने ये सीखा हुआ है कि जब भी हमें किसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो और हमें एक ही वेरिएबल दिया हुआ, तो हमें जो वेरिएबल नहीं दिया गया है उसके कोफिशिएंट को जीरो एज्यूम करते हुए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को बना लें. तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी दिखेगी. नाउ इसके अंदर हम लोग एक्स की वैल्यू को एक बार जीरो रख के देखते हैं तो हम वाई की वैल्यू को निकाल लेते हैं. तो जब हम एक्स की वैल्यू को जीरो रखते हैं तो वाई की वैल्यू आएगी -4/3. ठीक है, तो हमारा एक सॉल्यूशन हुआ 0, -4/3. सेकेंड टाइम में हम लोग लेट्स हैव x का वैल्यू एज 1, और जब हम लोग वो देखते हैं तब भी हमारी y की वैल्यू -4/3 आ रही. सो विच मीन्स दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y विल ऑलवेज बी -4/3. ठीक है, बट सिंस वी हैव टू गिव टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो हम लोग दो सॉल्यूशंस इस तरीके से यहाँ पर मान सकते हैं. पहला सॉल्यूशन 0, -4/3 एंड द सेकंड सॉल्यूशन विल बी 1, -4/3. सो आई होप यू गाइस कुड अंडरस्टैंड एंड हैड फन विद दीज क्वेश्चंस.